जम्मू का मशहूर मुबारक मंडी महल इस प्रांत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी जगह से डोगरा राजाओं ने 200 साल तक अपने विराट राज्य पर शासन किया। अपने चरम पर डोगरा राज उत्तर में पीर पंजाल पहाड़ियों से दक्षिण में पंजाब के मैदानी इलाकों तक और पश्चिम में आज के नियंत्रण रेखा से पूरब में लद्दाख तक फैला हुआ था। यह महल इस प्रांत के इतिहास की कहानी दर्शाता है, उसके सुनहरे दिनों का भी और जटिल अतीत का भी। 17वीं शताब्दी में इस प्रांत पर कई छोटे डोगरा सामंतों का राज था। इनमें से एक थे जम्मू और कश्मीर के डोगरा या जामवाल वंश के संस्थापक। वे राजा हरिदेव ही थे जिन्होंने कई रियासतों पर कब्जा पाकर जम्मू को एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया। राजदर्शनी के मुताबिक, जिसमें जम्मू के इतिहास का वर्णन है, राजा हरिदेव के पोते राजा ध्रुव देव ने पुरानी मंडी महल को छोड़कर तावी नदी पर एक नया और लाजवाब महल बनाया, जो था मुबारक मंडी। 1783 में सुकर चकिया मिसल, जो कि अनेक सिख मिसलों में से एक थी, ने जम्मू को लूटकर मुबारक मंडी के एक बड़े हिस्से को जला डाला। इस हमले से शुरू हुआ एक ऐसा तनावपूर्ण दौर जिसमें कई गुटीय जंगें लड़ी गई, जो 1808 तक जारी रही, जब महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू पर कब्जा पाकर उसे अपने राज्य का हिस्सा बना दिया। महाराजा ने फिर ये रियासत किशोर सिंह को जागीर के तौर पर दे दी, जो कि राजा रंजीत देव के दूर के रिश्तेदार थे। ये फिर उनके बेटे गुलाब सिंह को मिली, जिनके शासन से डोगरा वंश ने जम्मू में एक नया उज्जवल दौर देखा। दिलचस्पी की बात यह है कि गुलाब सिंह को पहले बालाकोट का प्रांत सौंपा गया था, जो कि आज पाकिस्तान में है, पर वो वहां के गुटीय जंगी नहीं संभाल पा रहे थे और उन्होंने उसके बदले जम्मू की रियासत ले ली। गुलाब सिंह ने मुबारक मंडी स्मारक में कई नई इमारतें बनाई, पर उन्होंने वहां से अपनी राजधानी बदलकर कश्मीर को बना दिया और जम्मू रियासत को अपने बेटे महाराजा रणवीर सिंह को सौंप दिया। महाराजा रणवीर सिंह ने मुबारक मंडी महल को 1874 में सुधारा और उसकी बढ़ोतरी भी की, और आज जो महल हम देखते हैं वो उन्हीं के वक्त का है। महाराजा प्रताप सिंह ने भी इस स्मारक में कई सारे नए महल बनवाए, जिनमें से सबसे खास था रानी चरक महल, जो उन्होंने अपने सबसे प्रिय रानी चरक के लिए 1913 में बनाया। तब तक मुबारक मंडी स्मारक के 12 एकड़ की जमीन पर 25 इमारतें बन चुकी थी। अलग अलग कालों में बनाई ये इमारतें विभिन्न संस्कृतियों के अनूठे संगम को पेश करती है। मुबारक मंडी का ये सुनहरा समय अचानक से समाप्त हो गया, जब महाराजा प्रताप सिंह ने अपने भाई के बेटे हरि सिंह को महाराजा नियुक्त किया। हरि सिंह को मुबारक मंडी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने खुशी खुशी उसे सरकार को 1947 में सौंप दिया। महाराजा हरि सिंह के छोड़ने के बाद ये स्मारक आजादी के वक्त तक जम्मू के राजाओं का शाही दरबार और सचिवालय रहा। आज सिर्फ महल का एक ही हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, वो है डोगरा कला संग्रहालय, जिसमें विभिन्न शैलियों की 800 के आसपास की खूबसूरत चित्रकारी है। हाल ही में मुबारक मंडी की जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सरकार ने गंभीरता से उठाई है। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक महल की बिगड़ती हालत में अब सुधार आएगा।